और लेंजी अली भाई की शादी की तैयारियां जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं, और अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि अली भाई की शादी के लिए कौन सी शेरवानी होगी। और हम यहां पर आए हैं तारिक रोड पर, एंड ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और ये अब ट्राई कर रहे हैं कि अब कौन सा कलर सेलेक्ट कर रहे हैं। कलर की जो है ना वो बड़ा इशू होगा सिलेक्शन का। अब देखते हैं कि ब्लैक होगा या मेहरून होगा। सो दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और ये चीज, वाह क्लास, ये व्लॉगिंग हो रही है। अब ना ट्रेंड हो गया चेंज भाईजान, अब जो है ना हम व्लॉगिंग करते हैं। पहले वो शादियां होती थी ना तो बनती थी फिल्में, शादी की फिल्म, तो अब व्लॉगिंग जो है वो लेकर। और ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जी, आप जरूर यहाँ तारिक रोड पर अगर आपने शेरवानी वगैरह जो कुछ भी लेना हो, ये वन जबरदस्त, तो ये ब्लैक पहन लिए तो मिरर में देखेंगे। और अब्दुल्ला तू भी पहन लेना, तेरे को भी व्लॉग में ले लूंगा। ये देखें जी, ट्राई करें, एक इंच का फर्क नहीं भाई। आपके कितनी हाइट है? 6'3" और अली भाई की? मेरी 6'4" हो गई। 6'4" हो गई, अच्छा। लेकिन माशाल्लाह आपकी भी लंबी हाइट है। अच्छा, शेरवानी वैसे ये है कि लंबे कद में ज्यादा उठ मेरा। अली भाई की तैयारी हो रही है, एंड यहाँ पर आप अली भाई देखेंगे। आप ये है शॉर्ट शेरवानी, और मैं तो बस वैसे ही जो है ना ट्राई कर रहा हूँ कि क्या तो दुल्हा साहब भी पहनेंगे, लेकिन हम भी पहन लेते हैं। हम ये है कि प्रोग्राम में पहन सकते हैं। हाँ, सदर पाकिस्तान के साथ इंटरव्यू हो तो फिर पहनी जा सकती है। हाँ, ताकि वो सदर के लेवल की हम भी तो पहने शेरवानी है। हाँ, सदर साहब पहने में। हाँ, ये कैसे लग रहा है अब्दुल्ला? सही लग रहा है। नहीं ना, मेरी नहीं हुई ना, ये देख लिया आपको सही सही था, ओके था, अब्दुल्ला के लिए ले लिए। सो अभी जो है वो तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और अब इसी तरह अली भाई की शादी जो है वो आपको पूरे पंजाब एंड कराची सारा विजिट करवाते रहेंगे। ये है जी अली बाऊ, अली भाई के पाओं का साइज लिया जा रहा है। आगे एक पेज पे आ गया जी, एक अभी इसका बनेगा गुस्सा, और गुस्से का जो डिजाइन है वो फाइनल हुआ है जी, ये वाला। एंड इसको क्या कहेंगे? इटालियन शूज इसे कहेंगे। और अभी जी चलें, ये शूज बनेगा और ड्रेस हो गया फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ड्रेस फिर रेडी होगा, फिर पहनेंगे। एंड जनाब ये आ चुका है बीफ धागा कबाब, एंड दिस इज़ द सुपर्ब कबाब। एंड शॉपिंग हो और खाना ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। एंड टुडे आई एम अराइव फर्स्ट टाइम ऑफ दिस रेस्टोरेंट, एंड ट्राई करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसा होगा। एंड मज़ेदार। और ये है जी मियाँ मिठू। हाय मियाँ मिठू, कैसे हो मियाँ मिठू? हाँ, और ये आज़ाद है, आज़ाद। ये मियाँ मिठू, अरे मियाँ मिठू, अरे मियाँ मिठू। ये और जनाब रास्ते से जाते हुए जो है वो हमारे ओ सारिम साहब, सारिम साहब, सारिम साहब। और देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक है, हरियत से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वासिक, ये हमारी सडनली जी मुलाकात हो गई है, एंड वासिक भाई से एंड सारिम साहब से। और सर कैसे हैं? A1 सर, जबरदस्त। शेरवानी का ऑर्डर हो गया, और शेरवानी के ऑर्डर के बाद अभी आए हैं डॉलमन, और डॉलमन में देखेंगे अली भाई के लिए जूता, और इसके अलावा मैंने अपना चेक करना है क्या 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 कहेंगे ब्लेजर। सो अभी पता चला है कि ब्लेजर के लिए डॉलमन में कोई शॉप देखनी पड़ेगी, देखते हैं आपको दिखाते हैं।